बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुबहाना व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे आमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे। बहन, जन्नत में जाने के लिए चार शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूँ, जब मैं ICSE में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स थे, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपल्सरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए चार शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस इन्नल इंसान लफी खुस इल्ला लजीन आमनु व आमिलु सालिहाती व तवासव बिल हक व तवासव बिस सब्र। अल्लाह सुबहाना व ताला कसम खा रहे है वक्त की, असर की, बेशक इंसान खसारे में है, सिर्फ वो लोग जो चार चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये चार चीज़ें ईमान, अमल सालेहात, वतवासव बिल हक, वतवासव बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है, मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं एंड पासिंग मार्क्स इज 40%, पास होने के लिए 40 मार्क्स की ज़रूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में हिंदी में मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूँगा कि नहीं। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊँगा कि नहीं। एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है, ईमान, अमल सालेहात, नेक अमाल जो आप कह रहे, वतवासव बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासव बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है।